तो ये आज हम जो प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए हैं ये है आपका दून यूनिवर्सिटी के पास। जैसा कि आपको पता है कि बंगाली कोटी से अगर दून यूनिवर्सिटी के बारे में बात करो तो लगभग आपके 2 किलोमीटर की दूरी में आपको दून यूनिवर्सिटी पड़ता है। लेकिन जो मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाला ड्यूप्लेक्स। जो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि अगर उनका यहाँ पर ग्राउंड बेस पर ऑफिस हो और ऊपर वो रहने के लिए, या फिर दोनों सेट अगर आप रहने के लिए करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप एक बार पूरी डिटेल में देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रोड के बारे में बात करूँ तो रोड आपको 20 से 22 फीट की आराम से मिल जाती है। तो और पार्किंग स्पेस, सबसे पहले पार्किंग स्पेस देखो, आराम से यहाँ पर एक SUV खड़ी हो जाती है, साथ में आपके 3-4 टू व्हीलर आ जाते हैं। इस साइड के बारे में बात करूँ तो इस साइड भी आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है। पूरी प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर विजिट कराऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर में आप यहाँ पर देखिए कि आपको मिलता है एक हॉल मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसे ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑफिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप पर्सनली रहना चाहते हैं तो ये आपका एक तरफ से बैठक, और यहाँ पर आपके मतलब कि स्पेस वगैरह काफ़ी बन जाता है। आप यहाँ पर डाइनिंग स्पेस बना सकते हो। साइड में किचन देखो, कितना ही ज़्यादा स्पेस आपको इस जगह पर मिलती है। अरे बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार आप यहाँ पर साइज़ वगैरह नहीं बताते। तो सबसे पहले देखो यार, मैं पहले बता देता हूँ, 25x50 यानी 25x50 में मतलब 25 गुना किया 50, 25 का आपको फ्रंट मिलता है, 50 की गहराई मिलती है, उसमें टोटल ये 135 गज है। और यहाँ पर किचन में स्पेस देखो, अच्छा खासा स्पेस। किचन का इंटीरियर आप देख सकते हैं। अगर मैं इस रूम के इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर इसके इंटीरियर वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। जानता हूँ मॉडर्न के हिसाब से नहीं है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, फोर सीलिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये किचन यहाँ पर बंद भी कराना है इन फ्यूचर, तो आप यहाँ पर पर्दा वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करके आप यहाँ पर इसे क्लोज भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट हमने देखी जब वो विजिट के लिए आते हैं कि कहते हैं कि हमें किचन थोड़ा सेपरेट ही चाहिए, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। किचन में अच्छा खासा स्पेस है, जैसा कि मैंने कहा, आप इसे एक डाइनिंग आपकी टेबल यहाँ पर लग जाती है, 4-5 चेयरें आपके यहाँ पर लग सकती है। इस साइड आपके मतलब कि जो बेड वगैरह हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं रूम के अंदर। तो सबसे पहले बात करूँ इस रूम की, तो इस रूम का आपको वॉशरूम यहाँ पर मिल जाता है अंदर। यहाँ पर अगर मैं रूम के साइज़ के बारे में बात करूँ तो रूम का साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर डिज़ाइन वगैरह आप खुद देख सकते हैं कि किस टाइप का है। पीछे बैक स्पेस में देखिए, बैक स्पेस में जाने के लिए आपको यहाँ पर दरवाज़ा मिल जाता है। पीछे बैक स्पेस में भी आपको स्पेस मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपका हुआ आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरे रूम के बारे में बात करूँ तो दूसरा रूम आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम साइज़ ही आपको लगभग मिलता है, लेकिन इसमें आपको मिलता है अटैच वॉशरूम। जी हाँ, अटैच वॉशरूम के साथ ये मिलता है। खिड़कियाँ आपको सभी रूम में मिलेगी, क्योंकि कोई भी कमरा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बंद टाइप का है, और एक वॉशरूम आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब हम ले चलते हैं आपको ऊपर की तरफ, जो कि सेकंड फ्लोर। धीरे धीरे आपको यहाँ पर ये भी दिखाएंगे कि सीढ़ियाँ वगैरह में पत्थर किस टाइप का यूज़ हुआ है। फर्श के बारे में बात करूँ तो मार्बल वगैरह यहाँ पर प्रॉपर यूज हुआ है। सीढ़ियों में पत्थर की क्वालिटी आप मार्बल वगैरह देख सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि ऑनर यहाँ पर नहीं रहते हैं, ऑनर का घर कहीं और है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई नज़र नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पर देखो, हम डबल स्टोरी पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, आप यहाँ पर स्पेस देख सकते हैं। यहाँ पर ठंडों के टाइम पे आप धूप वगैरह सेक सकते हैं, बच्चों को खेलने का कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा भी सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। और ऊपर से आप इसका एक्सटीरियर देख सकते हैं, जो कि सेकंड फ्लोर का है, सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था। अब हम यहाँ पर जाते हैं रूम के अंदर, जहाँ पर हम आपको रूम के इस वाले सेक्शन के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप नीचे अपना ऑफिस सेटअप करो, अगर आपको ऑफिस सेटअप करना है, या फिर अपना एक बड़ा स्पेस बैठक के साथ डाइनिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है फिर से रूम, आप देख सकते हैं रूम का साइज़ अच्छा खासा है, खिड़कियाँ वगैरह प्रॉपर है, यानी वेंटिलेशन का कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। इस साइड भी आप देख सकते हैं स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नीचे मिला था, क्योंकि नीचे में क्या था, वहाँ पर फ्रंट में स्पेस उतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट में स्पेस तो मिलता है, और साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर रूम। रूम के साथ जैसे कि यहाँ पर खिड़कियाँ वगैरह प्रॉपर है, रूम का इंटीरियर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका वॉशरूम आपको सेपरेट यहाँ पर मिल जाता है। दूसरे रूम के बारे में बात करूँ तो दूसरे रूम का भी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है, और इसका वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसमें भी खिड़कियाँ वगैरह प्रॉपर है। वैसे तो प्रॉपर आपको दिख ही रहा होगा कि किस टाइप के रूम वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छी मतलब कि आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो देखो, ये प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए सही है मैं पहले बता देता हूँ, कि अगर आप देखो पर्सनल यूज़ के लिए चाहते हैं, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का वर्क जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कि यार मुझे रेंट पर किसी को देना है, तो आप डेफिनेटली बात है 101% ये प्रॉपर्टी लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार रेंट पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रेंटल पर्पज़ से बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। चाहे आप इसे PG में कन्वर्ट करें, या फिर किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं, तो जैसी भी आपकी इच्छा हो तो वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। बाकी आप छत में जाकर आपको दिखा दें कि आसपास का कैसा व्यू रहने वाला है, क्या यहाँ पर मकान वगैरह हैं, तो वो भी आपको दिखा देते हैं।
अब देखो जैसे कि आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं, यानी एक काफ़ी प्रीमियम लोकेशन में आपको मिलने वाला है। साथ में ये लोकेशन आपकी ग्रीनरी में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं जंगल का एरिया है, तो काफ़ी दूर है जंगल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके घर के बगल में है। और जो ये रोड जाती है, जो इस रोड से हम यहाँ पर अंदर आते हैं, ये बेसिकली जाती है आपकी दुधली वाली रोड, जो कि सीधे निकलती है डोई वाला पर। तो अगर आपको कभी भी ऋषिकेश वगैरह जाना हो तो यहाँ से आपको शॉर्ट पड़ेगा। अगर आपको देहरादून में, तो देहरादून में तो आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बंगाली कोठी की भी बात करूँ तो बहुत ही पास है। स्कूल वगैरह के बारे में बात करूँ, फैसिलिटी वगैरह के बारे में बात करूँ, तो सभी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दून यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर मिलती है। आसपास आप घर की लोकेशन देख सकते हैं कि कितनी प्रीमियम लोकेशन में है। साथ में इसके अगर रोड के बारे में बात करूँ, तो रोड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ्रंट से यहाँ पर कैसा नज़ारा रहता है। फ्रंट से आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे घर बने हुए हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर कंप्लेंट करते कि आप यहां पर कभी भी प्राइसिंग के बारे में बात नहीं करते, तो इसकी अगर मैं डिमांड बात करूं तो यहां पर 70 लाख ओनर के द्वारा डिमांड है। बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, वो ऑन द टेबल डील आपको पता है कि किस तरीके से होती है, या फिर किस तरीके से आप डील करना चाहते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, मैं पहले बता चुका हूं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, यहां तक कि आप पर्सनल से थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लगेगा, लेकिन अगर आप रेंटल पर्पज से भी सोच रहे हैं तब भी आप इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं। तो यहां पर दून यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको यह घर मिल जाता है। अगर आपको इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड, तो आप सिंपली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट नंबर यहां पर शो होगा। और बाकी और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके लिए हो, जो कि आपके बजट में फिट बैठती हो, जो कि आपके लोकेशन के हिसाब से बेस्ट बैठती हो। बाकी ऐसी वीडियोज और प्रॉपर्टी देखते रहने के लिए आप दून प्रॉपर्टीज के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।